अनेकता में एकता ही इस देश की शान है, इसीलिए मेरा भारत महान है। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज तिवारी फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल देवभूमि उत्तराखंड में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। दोस्तों, आज की जैसे कि आप सभी को पता है, हम 71वें गणतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो मैं अपने संविधान की कुछ मुख्य बातें, भारत के संविधान की जो मुख्य बातें हैं जो हमको पता होनी चाहिए, वो कुछ मुख्य बातें मैं आप लोगों के सामने आज की वीडियो में रखूंगा। और वीडियो अच्छी लगी तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें। दोस्तों, भारत का संविधान जो है दोस्तों, वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये आप सभी को पता होगा। और जिन लोगों को पता नहीं है, उनकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ कि भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और कुछ मुख्य बातें मैं आगे आपको वीडियो में बता रहा हूँ, जुड़े रहे देवभूमि उत्तराखंड के साथ। भारत राज्यों का एक संघ है दोस्तों, यह संसदीय प्रणाली वाला एक संपन्न गणराज्य है दोस्तों। और दूसरा है सबसे बड़ा संविधान, भारत विश्व का सबसे बड़ा संविधान है दोस्तों। इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग हैं, जो बढ़कर 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग 25 भागों में अभी तक विस्तृत हो चुका है, बढ़ चुके हैं इसके अनुच्छेद और अनुसूचियां, और साथ ही इसके भाग भी बढ़ चुके हैं, क्योंकि हमारे संविधान लिखित संविधान है, इसमें बदलाव के लिए निरंतर समाज के हिसाब से बदलाव करने के लिए भी हमारे संविधान में लिखा गया है। तीसरा है दोस्तों, संविधान की रूपरेखा। सन 1947 29 अगस्त 1947 को एक समिति का गठन किया गया, जिसको यह कार्य सौंपा गया कि वह भारत के संविधान की जो रूपरेखा है वो तैयार करेगी, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया। इसीलिए हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम संविधान निर्माता के रूप में जानते हैं। अगला है दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना। भारत का जो संविधान है वह उसकी प्रस्तावना अमेरिका संविधान से ली गई है, उससे थोड़ा प्रभावित है मतलब हमारा संविधान, जो उस पर कुछ बातें जो अच्छी लगी वह चीज हमने अपने संविधान में लिखी हुई है। जो उस कमेटी गठन की गई थी, उन्होंने अपने हमारे संविधान में वो चीजें लिखी है, इसीलिए भारत का जो संविधान है, इसकी प्रस्तावना है दोस्तों, यह विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। और भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है, वह संविधान हमारा यह कहता है कि उसकी जो शक्ति है वह जनता द्वारा, एक नॉर्मल इंसान जैसे आम पब्लिक द्वारा ही प्राप्त की जाती है, यही हमारे संविधान की मुख्य विशेषता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान की विशेषता। भारतीय संविधान की विशेषता में मुख्यतः यह आता है दोस्तों, यह संघात्मक प्रणाली द्वारा भी चलता है और एकात्मक प्रणाली द्वारा भी, यही भारतीय संविधान की जो विशेषता है वह मुख्य है। अगला है दोस्तों, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष। यह जो मुख्य विशेष शब्द है हमारे समाज में, और दोस्तों ये जो दो शब्द है हमारे, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, यह 1976 में 24वें संशोधन में हमारे संविधान में जोड़े गए हैं। इसके बारे में आप लोगों को जानकारी होगी या नहीं होगी, या आप इस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं। 1976 में जोड़े गए थे हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द और समाजवादी शब्द। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? थोड़ा बहुत जानकारी मैंने अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है, और अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं, ब्लॉगर पेज और वर्डप्रेस पे जाके आप हमारे संविधान के बारे में पूरी डिटेल पढ़ सकते हैं। वहाँ पे मैंने पूरी डिटेल से भी दिया हुआ है। यहाँ पे मेरे पास थोड़ा टाइम भी कम है, इस वजह से मैं आप लोगों तक पूरी जानकारी भी नहीं पहुँचा पा रहा हूँ, और अधिक जितना हमको पता होना चाहिए नॉर्मली, उतना तो है इस वीडियो में कि जितना एक नॉर्मली हम सभी भारतवासियों को पता होना चाहिए अपने संविधान के प्रति। और किसी भी और अधिक जानकारी के लिए उत्तराखंड से या भारत के किसी राष्ट्रीय पर्व के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो मेरे ब्लॉगर पेज, वर्डप्रेस या फेसबुक पेज पर लॉगिन करके वहां से जान सकते हैं। वहां मैंने पूरी डिटेल दी हुई है सभी विषयों के बारे में। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको उत्तराखंड के साथ जोड़ने की,
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। ये हमारे संविधान की कुछ खास बातें हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए। हमारा राइट, सबका राइट, अपना अपना अधिकार है, ये हमारे संविधान ने दिया हुआ है। अब इस पर फिर मिलते हैं कल की वीडियो, कल या परसों की वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहे देवभूमि उत्तराखंड के साथ। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद।